तो फ्रेंड आपके मॉनिटर चालू करने के बाद कुछ देर तक चल रहा है, उसके बाद बंद हो जा रहा है, फिर से बंद करके चालू करने के बाद चल रहा है, दो तीन मिनट चलने के बाद फिर से बंद हो जा रहा है। तो आपके मॉनिटर में ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो 100% गारंटी के साथ आप ये मॉनिटर ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स में हम लोग दिखाएंगे, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है आपके मॉनिटर के साथ और क्या क्या चेंज करना है सारा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर यूपीएस से मेरा मॉनिटर में कनेक्शन आ रहा है। अभी यूपीएस ऑन करने के बाद यहाँ पर मॉनिटर के नीचे में यहाँ पर लाइट आ जाएगा। अभी मॉनिटर में पावर आ गया है, तो सीपीयू के पावर बटन मैंने यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ। तो ऑन करने के बाद जैसा आपके कंप्यूटर चलता है ऑन करने के बाद ऐसा ही चल रहा है। तो दो तीन घंटा मेरे कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ था, तो इसलिए मॉनिटर बंद होने में टाइम ले रहा है। तो देखिए अभी बंद हो गया है मगर कंप्यूटर चल रहा है। यहाँ पर सब कुछ ऑन है मगर मेरा मॉनिटर बंद हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, या इस मॉनिटर में जो पावर सप्लाई हो रहा है वो पावर सप्लाई अभी यहाँ से निकल के नीचे यहाँ पर हमारा एक एक्सटेंशन बोर्ड है वहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद फिर से यहाँ पर लाइट आ गया है। तो यहाँ पर मेरा मॉनिटर बस बंद हुआ था, तो आपके यूपीएस और केबल को भी आपको एक बार चेक कर लेना है। यूपीएस के पावर सप्लाई और केबल के प्रॉब्लम के वजह से भी आपके ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिर से बंद हो गया है। तो अभी यहाँ पर जो बीजीए केबल है पीछे की तरफ मॉनिटर के, तो वो निकल के हम लोग और एक बार चेक कर लेंगे। तो फिर से बंद हो गया है। तो फ्रेंड चलिए अभी इस मॉनिटर को ओपन करके कौन सा चीज़ आपको चेंज करना है और उस चीज़ को चेंज करने के बाद आपके मॉनिटर 100% ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए इस मॉनिटर को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लॉजिक कार्ड को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो SMPS का जो बोर्ड है, इस SMPS बोर्ड में ही प्रॉब्लम है। आपके मॉनिटर में इस SMPS से ही पावर सप्लाई आ रहा है, यहाँ से पावर सप्लाई बंद हो जा रहा है, इसलिए आपके मॉनिटर बंद हो जा रहा है। तो चलिए इस SMPS को हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं।
तो फ्रेंड आपके मॉनिटर 2-3 मिनट चलने के बाद बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक आईसी है, इस आईसी को चेंज करने से आपके ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस आईसी हीट होने से ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। मॉनिटर को ज़्यादा साल यूज़ करने के बाद ऐसे प्रॉब्लम होता है। तो आपको और कुछ चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर जितना कैपेसिटर है आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, ज़्यादा फुला हुआ रहेगा तो आप वो भी चेंज कर दीजिए। मेनली जो प्रॉब्लम है 2-3 मिनट चलने के बाद बंद हो जा रहा है, तो इस आईसी की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस आईसी को आप लोग चेंज कर दीजिए, आपके प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आईसी दिया हुआ है, तो आपको जो आईसी चेंज करना है वो TOP258PN, तो यही आईसी आपको चेंज करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा नया वाला आईसी है, यहाँ पर TOP258PG। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला वाला जो है BN और नया वाला जो आईसी मैंने यहाँ पर लिया है वो PG है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर जो पिन देखना है, आपको कितना पिन का ये आईसी है आप वो देख लीजिए। यहाँ पर 3rd नंबर पिन नहीं है, तो वही आप लोग देख लेना अच्छी तरह से। ये आईसी आपको ऑनलाइन नहीं तो लोकल मार्केट में इतना आसानी से नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में अवेलेबल होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। मैं इस आईसी को लोकल मार्केट से ले लिया है, तो यहाँ पर अवेलेबल मिलता है आईसी, मगर प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, 150 रुपीज़ ले लिया है। फिर भी इस आईसी को मैंने ले लिया है क्योंकि इस आईसी के वजह से मेरे मॉनिटर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड इस आईसी आपको ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन नहीं मिल रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आईसी जोड़ दिया है, अभी सब कुछ सेट करके अभी पावर दे के हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो 1 घंटा रखने के बाद भी मॉनिटर बंद नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है। तो मेरे ये मॉनिटर पूरी तरह ठीक हो गया है, अभी पहला जैसा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फ्रेंड मेरे हिसाब से आप नया वाला कोई मॉनिटर लेना चाहते हैं तो सैमसंग नहीं तो LG का मॉनिटर ले लीजिए। जो मॉनिटर मुझे अच्छा लगता है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आपके हिसाब से कौन सा मॉनिटर अच्छा है प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। तो आपके कमेंट से मेरे सारा फैन को भी पता चल जाएगा कौन सा मॉनिटर अच्छा है। तो थैंक्स ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन भी दबा दीजिए।